पेटीएम आईपीओ देश का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लिस्टिंग, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि पेटीएम आईपीओ का जो पेटीएम का शेयर है वो इतना फॉल क्यों हो गया, इसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वॉरेन बफेट के ऊपर न्यूज है इनमें, इसमें जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, सीबी इसके ऊपर जांच करेगा ऐसा उन्होंने सीबी ने भी कहा है, और इसके चार्ट्स पे क्या चल रहा है, और जो लेटेस्ट इन्वेस्टर्स हैं और जिनको बाय करना है और जो जो इसके हाई प्राइस में फंस गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और क्या इस सिनेरियो को आगे के आईपीओज में या पेटीएम के आईपीओ में हम कैसे इसे अवॉइड कर सकते थे, और इसके जो ग्रे मार्केट्स के जो प्रीमियम्स चल रहे थे उससे हम कैसे जान सकते थे कि आईपीओ की लिस्टिंग क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आके देखेंगे इस आईपीओ के बारे में थोड़ा देखेंगे, आईपीओ का जो ओपन डेट था वो 8 नवंबर था, आईपीओ का जो क्लोज डेट था वो हमारा नवंबर 10 था, और इसकी जो लिस्टिंग होनी थी वो 18 नवंबर के उसमें होनी थी, ठीक है। अब अगर हम आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के स्टेटस को देखें, क्यूआईबी का सिर्फ 2.79 का सब्सक्रिप्शन हुआ, एनआईआई का 0.24, आरआईआई का रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे 1.0, तो टोटल जो इसका एवरेज है 1.89 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन हुआ, जो पेटीएम के हिसाब से जिस तरीके से हाइप क्रिएट की गई थी उसके हिसाब से ना के बराबर है, एकदम ही इनकी मीन्स खस्ता हालत हुई है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें जब ओपन हुआ, जब लिस्टिंग हुई इसकी तो क्या हुआ, देखिए 2150 पे ये ओपन होना था, लेकिन ये डिस्काउंट पे ओपन होता है 1950 पे, लो बनाता है 1560। अब जैसे ही ये लो बनाते जाता है, आहिस्ता आहिस्ता लो बनाते जाता है, जितने भी इन्वेस्टर्स थे सबको टेंशन होता है, और लेकिन सबको एक ऑप्टिमिस्टिक होता है कि ये आईपीओ, ये जो शेयर का प्राइस है थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा जैसे जैसे मार्केट क्लोज होगा, लेकिन होता क्या है, आईपीओ 1560 के लोअर सर्किट पे फंस जाता है, 27% टैंक होने के बाद 1560 पे लोअर सर्किट पे फंस जाता है वहां पे, और क्लोज भी हो जाता है वहीं पे 1560.80 पे, तो बहुत अराउंड 26-27% का यहां पे फॉल होता है यहां पे इसमें ओपन प्राइस से। अब हम अगर जाने इसके बारे में, देखिए ये क्यों हुआ, इस आईपीओ को हम जज कैसे कर सकते थे, अगर आप यहां पे देखो तो यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू है और ये सब, ये टोटली पेटीएम जो है इन्होंने खुद भी क्लियरली कहा था कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, मीन इनका जो आईपीओ का जो विजन भी था इनका ये था कि कुछ कॉर्पोरेट चीजों के लिए और कंपनी को ग्रो करने के लिए और प्रॉफिट में आने के लिए, बाद में इनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो ये टोटली एक लॉस मेकिंग कंपनी है इन्होंने पहले ही बताया, तो ये एक सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इसमें ऑलरेडी था इस आईपीओ के अंदर। सेकेंड, जो जितने भी बड़े बड़े जितने एनालिस्ट थे उन्होंने भी इसके ऊपर प्रिकॉशन किया था, बहुत ही रेयर एक दो होंगे जिन्होंने कहा था लेने के लिए, लेकिन जितना भी आप एनालिस्ट के बारे में आप अगर देखेंगे तो सभी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए कॉशन किया था, और बहुत से लोगों ने कहा था जो बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, जो बहुत ही सीधा, वो इसके अंदर हाथ डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें कि इस आईपीओ में क्या चल रहा था, अब इसका हम मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में दिखाने जा रहा हूं। देखिए जब आईपीओ का जो अनाउंसमेंट हुआ, जो ओपन 8 और 9, वहां पे इसका जो कोस्टैक, देखिए इसके बारे में आप जान लेना कोस्टैक और जीएमपी क्या होता है, आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाए, बस एक समझ लो कि लिस्ट होने के पहले ये सब सौदे होते हैं, ये लिस्ट होने के पहले ये सब सौदे होते हैं, इसको आप ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट बोल सकते हो। तो इसकी जो 29 अक्टूबर को जो इसकी जो प्राइस लगाई जा रही थी इसकी एप्लीकेशन की, वो 500 रुपीज थी। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए क्या होने लगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइस गिरती गई, तो यहां पे अगर हम यहां पे अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर इसे पहले देखा होता इसे, तो यहां से उसे ट्रेंड पता चलता कि इसकी जो लिस्टिंग के पहले की जो ग्रे मार्केट के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रही है इस जगह पे, और ये होते होते 13 नवंबर होते होते ये 250 के ऊपर रुक गए, बीच में 150 पे, अब ग्रे मार्केट में ये 8 नवंबर को 100 रुपीज से 50-60 और लास्ट में आके ये 20 रुपीज के आसपास उठ गए, तो यहां से क्लियर एक ट्रेंड पता चल रहा था कि इस आईपीओ की हालत क्या होने वाली थी, और ये लिस्टिंग इससे देख के समझ में आ रहा था कि इसकी लिस्टिंग भी अच्छी नहीं होगी, ये डिस्काउंट में लिस्टिंग होगी या तो कुछ गेन नहीं मिलेगा, और सेम वही चीज हुआ इस चीज के ऊपर। अब ये सब जो है ये सब एक लर्निंग है हम सब के लिए, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है कोई भी आईपीओ अगर देख रहे हो तो आप उसका ग्रे मार्केट देखो, आप उसका डीएचआरपी पढ़ो, उनके
पढ़ो उन्होंने क्यों इसको आईपीओ पर लाया, और लॉस मेकिंग जो कंपनीज होती है उसमें नहीं हाथ डालने की कोशिश करो। बहुत से अच्छी कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, अपना हाथ जलाना जरूरत नहीं है। आईपीओ को आने दो, उसे परफॉर्मेंस करने दो, उसे देखो और उसे लास्ट डे तक देखो। बहुत से लोग क्या करते हैं, आईपीओ का अभी एक बबल चल रहा है, उसे लेने के चक्कर में पहले दूसरे दिन ही उसमें पैसा डालते हैं। पहले आप एक दो दिन उसका रेस्पॉन्स देखो कि क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, आपको नेट के ऊपर सब डिटेल मिलती है। और अगर रेस्पॉन्स ठीक ठाक अच्छा लग रहा है, कंपनी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो उसको तीसरे दिन में आप अपना अलॉटमेंट डाल सकते हो एप्लीकेशन। अब ये तो हो गया आईपीओ के बारे में बात, ग्रे मार्केट के बारे में बात, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो लेटेस्ट न्यूज है इसकी, उसमें देखिए क्या क्या चल रहा है। यहाँ वॉरेन बफेट, देखिए पेटीएम के अंदर वॉरेन बर्कशायर हैथवे का इन्वेस्टमेंट है। वॉरेन बफेट पॉकेट $16 मिलियन इन पेटीएम, मींस पॉकेट का मतलब क्या, इन्होंने अपने शेयर्स को बेचकर, जब ये आईपीओ आया, आईपीओ में क्या होता है, कुछ पैसा कंपनीज के पास आता है, कुछ पैसा जो होता है जो ऑलरेडी इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो, मतलब एक तरीके से वो अपने शेयर्स को बेच के हम रिटेल और दूसरे इन्वेस्टर्स के ऊपर उनको ट्रांसफर कर देते हैं, मीन्स हम खरीद लेते हैं उनसे। अब इसे एक चीज ये भी समझना है कि हर आईपीओ में आपको ये देखना है कि कंपनी का विजन क्या है, उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, एक एग्जांपल है, एक जो उनके 10 इन्वेस्टर है, 10 इन्वेस्टर का 1000 करोड़ लगा हुआ है, क्या वो 10 के 10 एग्जिट हो रहे हैं, क्या वे नौ क्यों एग्जिट हो रहे हैं ये लोग, इसे भी समझना है। तो कंपनी के विजन में पैसा उठाने के लिए कंपनी कितना पैसा उठा रही है, कंपनी के पास कितना पैसा आएगा और इन्वेस्टर्स कितना पैसा अपना लेके इस कंपनी का एग्जिट कर रहे हैं, ये भी आपको देखना है। इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब यहां पे देखिए वॉरेन बफेट की कंपनी ने इससे $16 मिलियन का सेल करके अपना प्रॉफिट बना लिया, मीन ये जितने भी चीज इन्होंने जो पैसा कमाया है ये सब शेयर्स के हवे में नहीं गए, ये सब आप और जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर ये सब शेयर को थोप दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक रीजन है, ये भी एक रीजन है जो आईपीओ पेटीएम के आईपीओ का क्रैश होने का। सेकेंड, जो इसका जो इंटरेस्ट ऑलरेडी एक कम था, अब इस चीज के ऊपर यहाँ पे सीबी ने एक सीबी लाइकली टू क्विज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑन पेटीएम लिस्टिंग फेस को, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे जो इस आईपीओ के साथ काम कर रहे थे, इसके बारे में डिटेल में भी जान सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन आईपीओ आप सर्च करोगे तो उसका जो इन्वेस्टमेंट, आप समझ लो एक आईपीओ को मैनेज करते हैं लिस्टिंग होने तक और उसकी सब चीज वैल्यूएशन निकाले, उनको पेटीएम लाइकली लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है होगा लेकिन लाइकली लिखा कि उनको क्विज मींस क्वेश्चन कर सकता है कि ये ऐसा लिस्टिंग क्यों हुआ है, ऐसे ही आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स का पैसा क्यों फंसाया जा रहा है, क्यों लॉस हुआ। तो ये नेगेटिव न्यूज हो सकती है। देखिए ये नेगेटिव न्यूज, ये नवंबर 20 के आसपास 20 की न्यूज है, मींस आज की न्यूज है, ये मंडे को इसका इफेक्ट दिख सकता है और भी पेटीएम में। सेकेंड चीज देखिए, मैक्वेरी ने इसके ऊपर कहा है कि ये और भी क्रैश होगा, 44% क्रैश होगा, 1200 रुपीज तक ये जा सकता है। अब देखिए कोई भी एनालिस्ट, देखिए मैं ज्यादा इधर उधर एनालिस्ट और न्यूज पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ये न्यूज एक तरीके से अफेक्ट भी करती है। 1200 रुपए तक जाने की बात कर रहे हैं, सीबी इसके ऊपर लाइकली इसके ऊपर क्विज कर रहा है, वॉरेन बफेट, तो हर तरीके से नेगेटिव न्यूज है और ऑलरेडी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मंडे को इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब ये सब तो हो गई आईपीओ के रिलेटेड बात, इसमें न्यूज क्या चल रही है, अब हम जानेंगे कि इसमें जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर आप देखो तो जैसे मैंने कहा कि ये डिस्काउंट प्राइस में ओपन हुआ 1950 के आसपास, उसके बाद जो स्टॉक है यहां से गिरता ही गया, यहां से हल्की एक रिकवरी हुई लेकिन फिर से यहां पे गिर के 1560 के लोअर सर्किट पे फंस के क्लोज हो गया। अब अगर आप यहां पे देखोगे इस जगह पे, अब जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, अगर मेरा हूं तो मैंने तो इस आईपीओ में अप्लाई ही नहीं किया, सिंपल रीजन है बहुत सी अच्छी कंपनियां ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लॉस मेकिंग कंपनीज के ऊपर मैं हाथ नहीं डालता हूं कोई भी आईपीओ में अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो, ठीक है। थर्ड चीज, जिन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है उसे यहां पे उनको क्या करना चाहिए इस जगह, देखिए 1560 पे ऑलरेडी ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव न्यूज है, अब जो ऑलरेडी होल्डेड इन्वेस्टर्स है उन्हें कब यहाँ पे होल्ड करना चाहिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये बहुत ही इसका ये जो है ना 1560 ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये इसके नीचे यहाँ चला जाता है तो आप लोगों को इसको
कुछ देर तक देखना चाहिए, अगर 2% 5% नीचे जाता है तो यहां से आप लोग निकल जाओ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं। यहां पे बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर जो लॉस झेल सकते हैं इसका वो रुक सकते हैं, नहीं तो रिटेल इन्वेस्टर यहां से निकल जाओ। और रुकना कब है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस जगह पे ये टकरा के, इस जगह पे ये एसेट टकरा के इस जगह पे और यहाँ पे अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, ये जो ऊपर का इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है जो मैंने बनाया है 1680 1722, इसको अगर ये तोड़ता है मींस यहां से अगर आपको रेजिस्टेंस दिखता है इस जगह पे, आपको अगर रेजिस्टेंस दिखता है ऐसा टकरा रहा है, जब तक आप होल्ड कर सकते हो जब तक ये नीचे नहीं जा रहा है, ऐसा टकरा के ऊपर जा रहा है यहां से, यहां पे जब तक ये चल रहा है आप इसे होल्ड करो, अगर ये इसे तोड़ देता है तो आप एग्जिट करो, अगर ये इसे तोड़ता है ऊपर तोड़ने दो 1722 के ऊपर ओपनिंग लेने दो, तब आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। और नया इन्वेस्टर भी जिसे इसके ऊपर एंट्री लेना है, मैं तो ना करूंगा, इसके ऊपर फिलहाल एंट्री मत लो, इसका पूरा का पूरा फिएस्को कम होने दो, इसकी चीजें और चलने दो और देखेंगे आगे फिर, लेकिन फिर भी जिन्हें फोमो फील हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो कम पैसा अगर डालना चाहते हैं तो इसे 1722 के ऊपर यहां से पूरा ऊपर तक एक अच्छी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल से ओपनिंग देने दो, उसके बाद आप इसके ऊपर छोटा छोटा पैसा एज अ SIP फॉर्म में और इसके ऊपर कम पैसा लगाओ, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज चल रही है, बहुत ही ज्यादा हाइप बना इस IPO का, ठीक है, लेकिन यहां पे इस पे हमें संभल के यहाँ पे कदम रखना। और मार्केट भी अब कंसोलिडेशन जोन पे, अब पूरा निफ्टी भी कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करेक्शन हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही बुल मार्केट है, यहाँ से हर चीज ऊपर ही भागेगी। ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है यहाँ से कि हर आईपीओ अच्छा नहीं होता, हर आईपीओ को देख के हमें लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, होप कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को पेटीएम के शेयर के बारे में समझाया होगा, ठीक है। आपको अगर कुछ भी इश्यू है आप कमेंट में पूछे, मैं उसे रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय, टेक केयर।